नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरओ एआरओ जीएस मॉक टेस्ट 35, जिसमें कि 20 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फाउंडेशन कोर्स के बारे में बता दूं, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में आरओ एआरओ का एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर इस आरओ एआरओ फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है, यहाँ पर आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, ठीक है। इस पुस्तक को आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर जाकर, साथ ही साथ आप अपने नियरेस्ट स्टोर पर जाकर भी इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। इस बुक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों पर, फंडामेंटल ड्यूटीज पर। आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करिए और प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको प्रश्न को इस तरीके से समझाने का प्रयास करूंगी कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों को चीजें समझ में आए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात कर रहे हैं, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं, और इसमें बोला गया है प्रश्न में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है बोला गया है। तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 और आर्टिकल अनुच्छेद 51A में दिया गया है, एकदम सही है। यहाँ पर अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इट इज इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 51A ऑफ अ पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एकदम सही स्टेटमेंट है ये। दूसरे स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो भारत के संविधान में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd संविधान संशोधन के थ्रू एड किया गया 1976 में, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अब हम थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया। यहां पर क्या लिखा है, मौलिक कर्तव्य भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर लागू है। प्रत्येक को अंडरलाइन करके थोड़ा सा हम वेट करते हैं और आखिरी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। जो मौलिक कर्तव्य है वो नॉन जस्टिसेबल है एंड दे कैन बी इन्फोर्स बाय द लॉ, ये भी एकदम सही है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर आपका कौन सा कथन सही नहीं है, सी, क्यों सी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य है वो भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर लागू नहीं होते, ठीक है, वो भारतीयों पर लागू होते हैं, ये हमारे मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। प्रत्येक से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छा क्लास, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज से और इंपॉर्टेंट कौन से प्रश्न बनते हैं वो भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बोला जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, हमारे संविधान में ऐड किया गया। जब फंडामेंटल ड्यूटीज को, कर्तव्यों को हमारे संविधान में ऐड किया गया था उस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। पेपर में अगर कभी पूछे कि ओरिजिनली जब इसको ऐड किया गया था, ठीक है, तब कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो आप 10 लगाएंगे, ठीक है, किसके थ्रू, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। एक और प्रश्न यहाँ पे पूछता है कि किसके सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में ऐड किया गया, किसके रिकमेंडेशन पे, तो यहाँ पे स्वर्ण सिंह कमिटी के, याद रखिएगा स्वर्ण सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में ऐड किया गया। आगे चलकर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक और फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में ऐड किया गया, और एट प्रेजेंट टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये भी चीज आप याद रखेंगे। याद करिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है, एक आर्टिकल को ऐड किया गया था, वो कौन सा आर्टिकल था, कौन सा अनुच्छेद था, 21A, और 21A में क्या बात कही गई है बताइए, 21A में राइट टू एजुकेशन की बात कही गई है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा 6 से 14 साल के बच्चों को, ये भी चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। इतने पॉइंट्स ऑफ फंडामेंटल
ड्यूटीज से रिलेटेड याद रखेंगी। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जो मैंने आर्टिकल 21A की बात की है, ये आपके मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपका मौलिक अधिकार है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, लास्ट स्टेटमेंट जो दिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल, ये एकदम सही है। अगर आप अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको दंड नहीं दे दिया जाएगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि आपको दंडित कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई लॉ बना दिया गया, ठीक है, अगर कोई लॉ उस पर बना दिया गया, तब अगर आप उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको दंड मिलेगा, इतनी चीज आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो प्रोस्पेक्टिंग की बात की गई है और कहा गया है बायो प्रोस्पेक्टिंग इज यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। पहला आपको दिया गया है फार्माक्यूटिकल, फिर कॉस्मेटिक आइटम्स, फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कृषि संबंधित उद्योगों में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है, कॉस्मेटिक में भी इसका यूज होता है, फार्माक्यूटिकल्स में भी इसका यूज होता है। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। अब क्लास, बायो प्रोस्पेक्टिंग मतलब होता क्या है, इसको समझने की जरूरत है। जब भी हम कहीं पर बायो की बात करते हैं ना, तो वहां पर हम लाइफ की बात करते हैं, जीवन की बात करते हैं। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग में मेनली हम ये चीज देखते हैं कि किस तरीके से जो बायो रिसोर्सेस है उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर यूज के लिए। बायो रिसोर्सेस से किस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उनका यूज डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, मैम बायो रिसोर्सेस क्या है? बायो रिसोर्सेस में आपके प्लांट्स आ गए, एनिमल आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, बर्ड्स आ गए, कुछ भी जिसमें जीवन है और जिसका की उपयोग आप डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं, ठीक है। उनसे किस तरीके से हम इन बायो रिसोर्सेज से बेनिफिट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी को हम डील करते हैं, उसी को हम डिस्कस करते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग में, ठीक है। तो डी आपका सही उत्तर है। चलिए थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड प्रश्न को हम देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें कथन एक और का ए दिया है और कारण दिया गया है, तो चलिए इसको पढ़िए आप लोग। गुरनार मिडाल द्वारा भारत को मृदु राज्य बताया गया है, ठीक है। इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ सॉफ्ट स्टेट बाय गुरनार मिडाल, ठीक है, सॉफ्ट स्टेट भारत को कहा गया है। और इन्होंने भारत को सॉफ्ट स्टेट क्यों कहा है, इसका देखिए रीजन क्या दिया गया है। इंडिया इज नॉट रिच इन आर्म्स एंड वेपन, ठीक है, भारत शस्त्र एवं हथियारों में ज्यादा संपन्न नहीं है, किंतु सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत संपन्न है, ठीक है। इंडिया इज नॉट रिच इन आर्म्स एंड वेपन बट इट इज वेरी रिच इन कल्चरल एंड सोशल पर्सपेक्टिव, एकदम सही है। जब भी हम सॉफ्ट स्टेट की बात करते हैं तो हम कल्चरल पर्सपेक्टिव में ही चीजों को देखते हैं, सोशल पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं, ठीक है। देखिए जब हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो आज हम योगा की बात करते हैं, ठीक है, हम अपने यहाँ के किस तरीके से हमारा जो क्लासिकल म्यूजिक है वो किस तरीके से वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। हम बुद्धिज्म की बात करते हैं, हम जैनिज्म की बात करते हैं, किस तरीके से बुद्धिज्म जैनिज्म का ओरिजिन है भारत में। तो यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट है दोनों सही है, एंड बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अच्छा क्लास, यहाँ पे डायरेक्ट ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किसने भारत को सॉफ्ट स्टेट की तरह डिस्क्राइब किया है, और आपको चार थिंकर्स के नाम दे देंगे। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा गुरनार मिडाल जो है उन्होंने भारत को सॉफ्ट स्टेट की तरह बोला है। चलिए फोर्थ स्टेटमेंट को हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं और अनुच्छेद दिए गए। तो पहला आपको दिया गया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक अधिकारों का स्थगन। दूसरा आपको दिया गया अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडियन सर्विसेज की बात की गई है। फिर क्षेत्रीय परिषदों की बात की गई है, जोनल काउंसिल की। और आखिरी आपको दिया गया ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आपका करेक्टली मैच नहीं है, आप में से कई बच्चों ने सही उत्तर अभी तक दे लिया होगा। तो सही उत्तर क्या है, सी है, ठीक है। अगर लास्ट क्लास आपने देखी होगी तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था आर्टिकल 263 जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड है, ठीक है, मैंने ये आपको डिस्कस किया था। तो यहाँ पर सी आपका हो गया सही। अब अगर हम जोनल काउंसिल की बात करें तो जोनल काउंसिल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक बॉडी नहीं है, ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें और देखिए, इसका
गठन कब हुआ था? तो इनका गठन संसद द्वारा मतलब पार्लियामेंट द्वारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू हुआ था। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है, मैं आपको बता दूं, इनका गठन संसद द्वारा पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था। कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि जोनल काउंसिल जो है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आप दिमाग में रखेंगे ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। और ये किसके थ्रू जोनल काउंसिल आपका फॉर्म हुआ, तो इट वॉज फॉर्म थ्रू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसको कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के थ्रू इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब देखिए जोनल काउंसिल उत्तर क्षेत्रीय परिषद जो है उसका आपका मुख्यालय नई दिल्ली में है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। मध्य का कहाँ है, प्रयागराज में है, पूर्वी का कोलकाता में है, पश्चिमी का मुंबई में है, दक्षिण का चेन्नई में है। और ये लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज और बताई थी क्लास की, ये जो जोनल काउंसिल है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसको प्रिसाइड कौन करता है, तो होम मिनिस्टर, जो गृह मंत्री होता है उसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए 263 अब आप कभी नहीं भूलेंगे ना, मैं कहने वाली थी कभी नहीं याद रखेंगे ना, कभी नहीं भूलेंगे ना, इंटरस्टेट काउंसिल, ठीक है। अब पांचवें प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है, कौन सा नहीं आता है। चलिए एक एक स्टेटमेंट को देखते हुए चलते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका क्या दिया है, यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, इट कैन इश्यू द रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दूसरा है, यह अपने अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण व नियंत्रण करता है, इट सुपरवाइजेस एंड कंट्रोल इट्स सबॉर्डिनेट कोर्ट। फिर आपका थर्ड दिया है, ये संविधान की व्याख्या कर सकता है, इट कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट आपका दिया, या दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद के बारे में निर्णय ले सकता है, इट कैन गिव डिस्कशन ऑन द रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो नॉट करेक्ट कौन सा होगा, डी होगा, ठीक है, डी होगा। जो हाई कोर्ट है उसके ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आता है रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स। अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी दे दिया होता ना कि सुप्रीम कोर्ट कैन गिव द डिसीजन ऑन द रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट, वो भी फॉल्स स्टेटमेंट होता, ठीक है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी होता ना, तब भी दो राज्यों के बीच में कभी भी जल विवाद होगा तो उसका डिसीजन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नहीं होगा, याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम तब किसके हाथ में होगा, तो आर्टिकल 262 की बात करें, अगर हम अनुच्छेद 262 की, जो कि भाग 11 का हिस्सा है, इसमें क्या कहा गया है, देखिए इसमें एक अधिनियम की बात की गई है, इसमें एक एक्ट की बात की गई है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लें। देखिए अनुच्छेद 262 के आलोक में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 का आगमन हुआ, ठीक है। और इसमें बोला क्या गया है, इसको ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 262 में इसमें लिखा है, पार्लियामेंट, दिखा आपको, मतलब संसद में बाई लॉ प्रोवाइड फॉर द एजुडिक्शन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेन विद रिस्पेक्ट टू द यूज डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ द वॉटर और इन एनी इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली। दूसरा देखिए इसमें क्या लिखा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रोवाइड दैट नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट शैल एक्सरसाइज ज्यूरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेंट एज इट इज रिफर्ड इन टू द क्लॉज 1। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा क्लास, अगर आपसे कभी भी पूछे प्रश्न में कि अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 किस आर्टिकल के थ्रू आया था, तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 262, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 की मैं बात कर रही हूँ। आर्टिकल 262 में बोला गया है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि कोई लॉ प्रोवाइड करे फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द यूज डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ द वाटर। और दूसरी चीज क्या बोली गई है, कोई भी कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट है, उसके पास ये पावर नहीं है कि वो वाटर डिस्प्यूट मैटर में इंटरफेयर करे, ठीक है, या इन मैटर्स को वो डील करे। तो देखिए लिखा, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड दैट नीदर द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, नॉर एनी अदर कोर्ट शैल एक्सरसाइज ज्यूरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेंट एज इट इज रिफर्ड टू
इन द क्लॉज वन। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। यहां पर आप याद रखिएगा इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के बारे में, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के थ्रू। अब देखिए कुछ ट्रिब्यूनल्स, यहाँ पे पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि कुछ ट्रिब्यूनल्स वो सेटअप करे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ट्रिब्यूनल्स सेटअप हुए भी थे उस एक्ट के थ्रू, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट के थ्रू, जो कि डील किया कावेरी रिवर, गोदावरी रिवर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट थे, कृष्णा रिवर से रिलेटेड, नर्मदा रिवर से रिलेटेड और रावी नदी से रिलेटेड, ठीक है। अब क्लास थोड़ा सा मैं आपको और चीज बता दूं, हाई कोर्ट पे आते हैं हम। हाई कोर्ट से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पेपर में बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका बन सकता है कि सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, तो आप याद रखेंगे कोलकाता हाई कोर्ट, ठीक है। कोलकाता हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1862 में हुआ था। 1862 में ही कोलकाता हाई कोर्ट के बनने के बाद बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट का भी एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। अभी प्रेजेंट में कितने हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है, और सबसे रीसेंट हाई कोर्ट कहाँ का है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का, ठीक है, जो 2019 में आपका बना था। अब पेपर में एक प्रश्न पूछता है कि कोलकाता हाई कोर्ट के सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो आप याद रखेंगे बार्नस पीकॉक, ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे। और बॉम्बे हाई कोर्ट के सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो आप याद रखेंगे सर मैथ्यू रिचर्ड। इतनी चीजें क्लियर है। चलिए सिक्स प्रश्न को देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए है तथा दूसरा आर है, ठीक है। तो यहाँ पे कथन कारण है, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़िए समय लेते हुए। यहाँ पे assertion में क्या दिया गया है, एन इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया, ठीक है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना किसी भी निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। दूसरा आपको दिया गया है इलेक्शन कमिश्नर आर अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। देखिए क्लास यहाँ पर आपका क्या होगा सही स्टेटमेंट, जब भी हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं या फिर हम इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं, तो आप याद रखिएगा इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। तो ये इनको हटाने की पावर किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में है। तो यहाँ पर आपका जो पहला स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सही है कि हम उनको नहीं रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर आर अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या है, देखिए जरा, सी आपका सही उत्तर है। व्याख्या में आप पढ़ भी सकते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना किसी निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता, यह कथन सही है, लेकिन किसी निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही किया जाता है। अब आपको पता है जब भी हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो हमेशा आता है प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक है। यहाँ पे जो सिफारिश दी गई थी, रिकमेंडेशन दिया गया था, इस वजह से ये आपका गलत है, ठीक है, सी आपका एकदम सही उत्तर है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो वोटिंग एज थी उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। चलिए सेवन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है तथा, ठीक है, था। चलिए दूसरा देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम पंचायत की स्थापना राजस्थान में हुई, ठीक है। महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश अ लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, द फर्स्ट पंचायत इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन राजस्थान। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है, लोकायुक्त को एस्टैब्लिश करने वाला पहला आपका स्टेट जो था वो महाराष्ट्र था, और पंचायत सबसे पहले आपकी राजस्थान में, तो बोथ द स्टेटमेंट आर राइट, तो सी का, सेवेंथ का सी हो जाएगा, ठीक है। 1971 में महाराष्ट्र में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था का गठन हुआ था, और 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में। पेपर में प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट था, या फिर सीधे आपसे जिले का नाम पूछ ले, तो आप याद रखेंगे नागौर जिले में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज प्रणाली का गठन हुआ था, ठीक है। इसके बाद कौन सा राज्य था, इसके बाद आंध्र प्रदेश था। अच्छा, जब भी हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो डीपीएसपी, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व की जब हम बात करते हैं, ठीक है, डीपीएसपी की हम बात करते हैं, तो किस अनुच्छेद में पंचायत की बात की गई है, आर्टिकल 40 में बात की गई है, ठीक है। और आपको याद है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू
73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को हमारे संविधान में ऐड किया गया, ठीक है, 1992 में। इतनी चीजें भी आपको याद होगी। और किसके रिकमेंडेशन पे, अगर बोला जाता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्प कौन है, तो बलवंत राय मेहता कमिटी का भी नाम आप याद रखेंगे। इतनी चीजें आप याद रखेंगे। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित निम्नलिखित आश्रमों या संस्थानों को उनके सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आश्रम दिए गए हैं तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिनिक्स की। फिनिक्स आपका 1904 में बना था, ठीक है। फिर उसके बाद टॉलस्टॉय जो है 1910 में, ठीक है। फिर उसके बाद जो कोचरब है ये आपका 1915 में, और फिर उसके बाद सेवाग्राम जो है वो 1936 में। तो सबसे आखिरी में सेवाग्राम होगा, तो ये हो गया, और सबसे पहले आपका कौन सा होगा, फिनिक्स होगा, ठीक है। तो दो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे आप व्याख्या पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए नौवां प्रश्न देखिए। भारत के तटीय राज्यों का उनके तटों की लंबाई के क्रम में ही सही क्रम बताइए, ठीक है। यहाँ पे कोस्टल लाइन की बात की गई है, कोस्टल स्टेट्स की बात की गई है। तो आपको पता है लार्जेस्ट कोस्टल लाइन किसके पास है, गुजरात के पास है। तो यहाँ से हम ए और सी को आराम से देख सकते हैं कि या तो ए सही उत्तर होगा या तो सी सही उत्तर होगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है, फिर उसके बाद तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, नाइन्थ का ए, ठीक है। यहाँ पर देखिए भारत में कुल 9 राज्यों की सीमा समुद्री तट से लगी लगी है, ठीक है। पेपर में ये भी प्रश्न पूछता है कि भारत में कुल कितने राज्यों की सीमा समुद्री तट से लगी है, आप याद रखेंगे 9 राज्यों की, जिसमें सबसे ज्यादा गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु और उसके बाद महाराष्ट्र। याद रखिएगा, पेपर की पेपर में प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। दसवां प्रश्न देखिए। मांडी बीच स्थित है, ठीक है, मांडी बीच कहाँ पे स्थित है, गोवा में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में, डी जो है वो आपका सही उत्तर है। ग्यारहवां प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड बोला है, तो ध्यान से पढ़िए। हथनी कुंड परियोजना यमुना पे, रानी लक्ष्मीबाई बांध सोन रिवर दिया गया है, फिर राजघाट बांध बेतवा दिया गया है, फिर लवकुश बैराज गंगा नदी दिया गया है। तो यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड बोला गया है, इस वजह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। क्यों? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई डैम जो है वो सोन रिवर पे नहीं है, वो बेतवा रिवर पर है। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बी आपका सही उत्तर है। अच्छा ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध को हम माता टीला बांध भी कहते हैं, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर, ये आपका ब्यास नदी, अरे उस पर सॉरी बेतवा नदी पर, ठीक है, बेतवा, वो ब्यास मेरे मुंह से गलती से निकल गया, बेतवा नदी पर, ठीक है। और ये आपका कहाँ पर है, यहाँ पे देखिए, इस परियोजना पर ललितपुर जिले में अवस्थित है, ठीक है, जिसमें झांसी, हमीरपुर, जालौन, ग्वालियर जिले लाभान्वित होते हैं, मतलब इनको प्रॉफिट मिलता है इस बांध के थ्रू। इतनी चीजें क्लियर है। बेतवा नदी पर आपका राजघाट बांध भी स्थित है, डैम स्थित है। चलिए बारहवां प्रश्न हम देखते हैं। अर्थशास्त्र में किसी श्रमिक की कार्य क्षमता एवं उसके द्वारा किए जाने वाले वास्तविक कार्य के मध्य संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है। इन इकोनॉमिक व्हाट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्क पोटेंशियल ऑफ अ लेबरर एंड द एक्चुअल वर्क डन बाय हिम। तो सबसे पहले ऑप्शन ऑप्शन आपको दिया गया है, कल्चर इकोनॉमिक, फिर अर्गो इकोनॉमिक्स, फिर टोलोनॉमिक्स, फिर आपका दिया है ग्रिंडोनॉमिक्स, ठीक है, टोयलनॉमिक्स और फिर ग्रिंडोनॉमिक्स। तो यहाँ पे आपको क्या कहा जाता है, एर्गोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स, ठीक है। द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्क पोटेंशियल ऑफ अ लेबरर एंड एक्चुअल वर्क डन बाय हिम, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है और वो कितना काम करता है, ठीक है, इसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको क्या हम कहते हैं, एर्गोनॉमिक्स। आप में कितनी क्षमता है पढ़ाई की और आप कितने देर पढ़ लेते हैं, दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना, तो बी हो गया। चलिए 13 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड बोला गया है। कोयला उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं और देश दिए गए हैं, कोल प्रोड्यूसिंग एरिया और कंट्री, ठीक है, डॉनबास बेसिन यूक्रेन, ठीक है, कारागंडा बेसिन कजाकिस्तान, न्यू कैसल जाम्बिया, मैसिव सेंट्रल फ्रांस। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है, डॉनबास बेसिन जो है यूक्रेन में है, ठीक है, कारागंडा बेसिन कजाकिस्तान में है, ठीक है, न्यू कैसल जो है वो जाम्बिया में नहीं ऑस्ट्रेलिया में है। तो
सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये करेक्टली मैस नहीं था, मैसेज सेंट्रल फ्रांस में ही है, एकदम सही है। 14 प्रश्न को देखते हैं। ब्रिटिश भारत में गठित निम्नलिखित आयोग समितियों को उनके गठन के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है मैक्सवेल, फिर उसके बाद आपको दिया गया फ्लाउड, फिर बटलर, फिर सुप्रू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम मैक्सवेल की बात करते हैं तो इसका गठन आपका 1928 में किया गया, ठीक है, बटलर का 1927 में, ठीक है, सप्रू का अगर हम बात करें तो ये आपका 1935 में, और फ्लॉट की अगर हम बात करें तो ये 1914 में। अब देखते हैं सबसे आखिरी में आपका क्या होना चाहिए, 1942 फ्लॉट, तो ये आपका दिया गया है यहाँ पर, सी आपका सही होगा। और सबसे पहले क्या होना चाहिए देख लीजिए, बटलर, तीन, एकदम सही, तो सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अच्छा, हमेशा पेपर में पूछता है बटलर कमिटी किस चीज से रिलेटेड थी, किस चीज से संबंधित थी, तो देशी राज व ब्रिटिश सरकार के मध्य संबंधों पर विचार करने के लिए इसका गठन किया गया था, ठीक है। देशी राज्य जो स्टेट्स थे, जो प्रोविंस थे, और जो ब्रिटिश राज था उनके बीच में रिलेशनशिप को स्मूथ करने के लिए बटलर आयोग का यूज किया गया था। तो मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ, याद रखना बटन मतलब मक्खन, तो इनके रिलेशनशिप को स्मूथ करने के लिए, ठीक है, कि एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो, उसके लिए बटलर कमिटी आपकी आई थी। चलिए 15 प्रश्न को हम देखें। यहां पर मार्तंड मंदिर की बात की गई है। मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था, यह प्रश्न है, सीधे एकदम सीधा सीधा प्रश्न है। यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, ललितादित्य मुक्तापीड़, ठीक है, ललितादित्य मुक्तापीड़, बी जो है वो आपका सही है, कश्मीर में ये स्थित है। पेपर में प्रश्न पूछ सकता है मार्तंड सन टेम्पल कहाँ पर है, तो आप कोणार्क सन टेम्पल से मत कंफ्यूज होइएगा, ये मार्तंड सन टेम्पल है, ठीक है, जो कि अवंतीपुर में लोकेटेड है, कश्मीर में लोकेटेड है। इसको किसने बिल्ड किया था, ललितादित्य ने बिल्ड किया था, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अच्छा, यहां पर एक चीज देखिए, एक पुस्तक का नाम लिखा गया है रास तरंगिणी का, ठीक है, इसको लिखा किसने था, कल्लण ने लिखा था, ये भी चीज याद रखिएगा। देखिए कल्लण की रास तरंगिणी में कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास लिखा है, ये पेपर में प्रश्न कई बार पूछा है। अगर आप में से किसी बच्चे ने प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैम क्या बताना चाह रही हैं, तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सूची एक दिया गया है, सूची दो दिया गया है, और यहाँ पर मतलब डेज दिए गए हैं, डेट्स दिए गए हैं, और आपको बताना है कौन सा सही है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की अगर हम बात करें तो ये कब सेलिब्रेट होता है, चलिए देख लेते हैं, ये आपका सेलिब्रेट होता है 26 अप्रैल को, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म डे की अगर हम बात करें तो ये कब सेलिब्रेट होता है, 27 सितंबर को। म्यूजियम की बात करें तो ये 18 मई, और वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे की बात करें तो 7 जून। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, वर्ल्ड टूरिज्म डे की 1, ठीक है, बी का 1, तो ठीक है, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए डी आपका सही उत्तर है। चलिए 17 प्रश्न देखते हैं। किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था, किसने स्वामी विवेकानंद को स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट कहा था, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो आपका क्या है, यहाँ पर आपका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने ये उपाधि दी थी विवेकानंद जी को, कि ही इज रिगार्डेड एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन नेशनल मूवमेंट, डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में, शिकागो सम्मेलन में जो स्पीच दी थी वो कब दी थी, तो 1893 में, ठीक है। 1896 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना की थी, याद रखिएगा, और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो हो सकता है स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछे और इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोल दे, तो आप याद रखिएगा शिकागो की स्पीच 1893, 1896 में वेदांत सभाओं की स्थापना की थी, कहां पर, अमेरिका में, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अच्छा, रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है वो कोलकाता के बेलूर नामक स्थान में है, ये भी याद रखिएगा। 18वां प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, एक अच्छा प्रश्न है। किस सेशन में कांग्रेस के खादी को कंपलसरी कर दिया गया था, गुवाहाटी सेशन 1926, बेलगांव सेशन 1924, फैजपुर सेशन 1937, और नागपुर सेशन 1920,
ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। गुवाहाटी अधिनियम में, अरे गुवाहाटी सेशन में ये बोला गया था 1926 में कि कंपल्सरी है खादी पहनना। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये अगर आपको, आप लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे कांग्रेस के सेशंस, तो आपको पता होगा 1924 के जो बेलगाम अधिवेशन था, सेशन था, उसको किसने प्रिसाइड किया था, उसको महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था। ठीक है, फैजपुर अधिवेशन 1937 का ये किसने प्रिसाइड किया था, जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था, मुझे लगता है हाँ जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, और नागपुर सेशन 1920 आपका कौन सा समय चल रहा है, याद करिए, मैंने आपको दो सेशन बताए थे, नागपुर और कोलकाता, जब आपका असहयोग आंदोलन वाला दौर चल रहा है, तो ऐसे याद रखा करिए चीजों को। तो ये आपका ए हो गया। चलिए 19 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दशक में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः सबसे अधिक व सबसे कम थी? ठीक है, सबसे अधिक और सबसे कम आपका जो ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का, वो कब था, हाईएस्ट और लोवेस्ट? यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1971 से 81 में आपका हाईएस्ट था, और लोवेस्ट 1911 से 1921। सी आपका सही उत्तर है। देखिए 1971 से 1981 के बीच में औसत वार्षिक वृद्धि दर अधिक कितनी थी, 2.22, जबकि 911 से 21 के बीच में -0.03, मतलब घट गई थी। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। 20वां प्रश्न आपका क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं और यहाँ पे 2011 के अनुसार लिंगानुपात दिया गया है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो जिले के नाम जो दिए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका होना चाहिए, तब भी आप थोड़ा सा इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे ज्यादा किसका होगा, जौनपुर का होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे ज्यादा नंबर आपका क्या है, 1024। क्या 1024, तो ए का टू, ए का टू कहाँ दिया गया है, यहाँ यहाँ दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आपका आता है आजमगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे बी का फोर्थ हो जाएगा। जैसे ही आपने बी का फोर्थ लगाया, आंसर आपके सामने है, डी आपका सही उत्तर है। देखिए जौनपुर का कितना है, 1024, आजमगढ़ का 1019, देवरिया का 1017 और प्रतापगढ़ का 998, या उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का क्रम है। तो इस तरीके से भी अगर सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस करने होंगे, कि हमेशा हम पूछ लेते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस बार कुछ अलग तरीके से पूछे, तो प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं आपका। तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, याद रखिएगा हमने इस प्रश्न को पढ़ा है लिंगानुपात वाला, और हमको पता है जौनपुर होगा, तो आप इस तरीके से चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन में हमने 20 प्रश्न डिस्कस किए, लेकिन आप लोगों को खुद फील होता होगा कि खाली हम 20 प्रश्न नहीं डिस्कस करते हैं, हम उनसे रिलेटेड कई और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कवर करते हैं जो कि पेपर में पूछी जा सकती है। जैसे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड प्रश्न पूछा, तो उसी से रिलेटेड हमने और फैक्ट्स को भी डिस्कस किया, मौलिक कर्तव्यों से, जो कि पेपर में आपके पूछे गए हैं या फिर पूरी संभावना है कि प्रश्न बन सकते हैं। तो हम खाली 20 प्रश्नों को नहीं डिस्कस करते हैं, बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ बने रहिए। धन्यवाद।